मैं तो इन रिश्तों को बदले की आग से बचाना चाहता था अंकल, लेकिन अब शायद उन्होंने ये गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। मेरी बेबसी का सिर्फ फायदा उठाया उन्होंने, पर अब आप मुझे नहीं रोकेंगे। अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। अब जो भी बात होगी वो मेरे और हशाम के आमने सामने होगी। मुझे वहां जाना होगा, अभी मुझे खुद हशाम से जाके बात करनी होगी। मिकाइल भाई, आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मैं बस जा रही थी तो मुझे हशाम भाई मिले। प्लीज आप उनसे सिर्फ एक मिनट बात कर लें, प्लीज। क्या लेने आए हो तुम यहां? मिकाइल, मेरे भाई मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने तुम पे बहुत जुल्म किए हैं। मेरी वजह से बड़ी अम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं इन सब बातों का खसारा तो नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो। मेरी जिंदगी छीन कर मुझसे कहते हो कि मुझे माफ कर दो, मैं तो शायद कर दूं, पर मेरा खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम अभी यहां से जाओ, तुम्हारी जो बात थी मैंने सुन ली है। फिलहाल मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है। जस्ट गो मामू अंकल, आई बेग यू, आई नीड सम टाइम अलोन, प्लीज। ठीक है बेटा। मिकाइल,